एशिया कप 2022 का सुपर फोर मुकाबला रविवार को भारत और पाकिस्तान के बीच खेला गया। इस मुकाबले को पाकिस्तान की टीम ने 5 विकेट से जीतने में सफल हुई। टीम इंडिया को एक बार फिर से पाकिस्तान से हार का सामना करना पड़ा। इस मुकाबले में टीम इंडिया एक दो छोटी बड़ी गलती नहीं करती तो शायद परिणाम कुछ और होता, लेकिन टीम इंडिया की एक दो छोटी गलती की वजह से पाकिस्तान की टीम रोमांचक तरीके से मुकाबला जीतने में सफल हो गई। आज हम आपको बताएंगे पाकिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली के सबसे ज्यादा रन बनाने के बाद भी फैंस क्यों मायूस हुए। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली का बल्ला जमकर बोलता है। रविवार को भी खेले गए सुपर फोर मुकाबले में वैसा ही हुआ। विराट कोहली ने इस मुकाबले में टीम इंडिया के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए, लेकिन इस दौरान कुछ ऐसा हुआ कि फैंस भावुक नजर आए। इस मुकाबले में विराट कोहली 44 गेंदों का सामना करते हुए 60 रनों की पारी खेली। इस दौरान विराट कोहली के बल्ले से 4 चौके और 1 छक्का देखने को मिला। आखिरी ओवर में आसिफ अली ने विराट कोहली को डायरेक्ट थ्रो कर रन आउट किया। अगर विराट कोहली पूरा ओवर खेल जाते तो हो सकता था 190 के आसपास स्कोर बनाने में टीम सफल हो जाती और शायद मुकाबला जीत भी सकती थी। जब विराट कोहली रन आउट होकर पवेलियन वापस जा रहे थे तो ठीक वैसा ही लग रहा था जैसा कि साल 2019 के वर्ल्ड कप में एमएस धोनी को मार्टिन गप्टिल ने रन आउट कर पवेलियन भेजा था। टीम इंडिया साल 2019 के वर्ल्ड कप में नॉकआउट मुकाबले में न्यूजीलैंड से हारकर बाहर हो गई थी। एमएस धोनी जब रन आउट हुए थे 72 गेंदों का सामना कर 50 रनों की पारी खेली थी। यह मुकाबला टीम इंडिया 18 रन से हारकर वर्ल्ड कप से बाहर हो गई थी। टीम इंडिया को ये 2 रन आउट इतना ज्यादा खले हैं कि फैंस अपनी भावनाओं को काबू में नहीं रख पाए। दोनों खिलाड़ियों के रन आउट होने पर टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा। टीम इंडिया को भले ही पाकिस्तान के खिलाफ रविवार को खेले गए मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है, लेकिन एक बार फिर एशिया कप उठाने के लिए टीम इंडिया की उम्मीद बची है। टीम इंडिया को 6 अगस्त को श्रीलंका और 8 अगस्त को अफगानिस्तान को हराना होगा, तब जाकर टीम इंडिया एशिया कप 2022 के फाइनल में पहुंच पाएगी। एमएस धोनी और विराट कोहली का कॉम्बिनेशन बहुत ही शानदार माना जाता है, लेकिन ये 2 रन आउट टीम इंडिया को कभी भी नहीं भूलेंगे। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। खेल की दुनिया की ताज़ा खबरों के लिए बने रहें NN स्पोर्ट्स के साथ।